सनी देओल को भी अपने कैरियर की पठान मिल चुकी है और गदर 2 ने जिस तरीके से कामयाबी के रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह धराशायी की है उससे लगता है वो लंबी पारी खेलेंगे। बहरहाल पूरे देश में भले गदर को प्यार मिला हो लेकिन हमारे देश का माहौल कुछ इस तरीके का है जहाँ पर कम्युनल बातें की जाती हैं, हिंदू मुसलमान की बात ना है, वो भी एंटी पाकिस्तान वाली मूवी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब गदर 2 पूरे देश में चल रही थी तब कई लोगों ने जानबूझकर मुस्लिम लोगों से अपील की, उनसे रिव्यू लिए और पूछा गदर के मामले उनका क्या कहना है। दरअसल लोग ये सुनना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में बात करें और उनको कंट्रोवर्सी का एक मौका मिल जाए, लेकिन यहीं से मात खा गए। इंडिया की जो ब्यूटी है बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है और गंगा जमनी वाली तहजीब है, इसलिए जब जब मुसलमानों से पूछा गया कि भैया गदर मूवी कैसी लगी, उन्होंने एक सच्चे फैन की तरह, सच्चे इंडियंस की तरह कहा, गदर मूवी ब्लॉकबस्टर है, कामयाब है। और आपको ये मानकर चलना चाहिए गदर मूवी के कलेक्शंस हैं वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखते, बल्कि एक फैन, एक स्टारडम के साथ जो पब्लिक का कनेक्शन है वो देखते हैं। फिर भी लोग इस तरह की बात करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिल्म पसंद नहीं आएगी बिकॉज पाकिस्तान को बहुत कोसा गया है। ये बात पाकिस्तान के लिए तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसके जितने वीडियो देखे गए हैं, हमने पर्सनली जिनसे बात की है, वहाँ एक बात निकल कर आती है कि उनको कोई ऐतराज नहीं है हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से, बिकॉज वो हिंदुस्तान की ही औलादे हैं। और हाँ, रही बात पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाने की, ये बहुत नाजायज डिमांड है। आप जबरदस्ती किसी मुल्क को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो भी तब जब पूरी सरकारें आपकी पाकिस्तान से दोस्ती करने की बात करती हों, मैत्री संबंध बनाना चाहती हों। ऐसे में दो देशों की आवाम एक दूसरे से नफरत कैसे कर सकती है। और वैसे भी किसी मुसलमान से इस बात का सर्टिफिकेट लेना कि वो इंडियन है और इस बात के लिए वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहेगा, ये नफरत फैलाने वाली बात है। बहरहाल कुछ यूट्यूबर्स ने मजे लेते हुए थिएटर के बाहर गए और जो लोग टोपी में थे या फिर लग रहे थे मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, उनसे कहा कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलकर देखिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलकर देखिए। कुछ ने बोला, कुछ ने नहीं बोला, सबकी अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन ये परसेप्शन, ये अप्रोच बहुत निगेटिव है। आप जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहेंगे तब कंट्रोवर्सी आपको मिल जाएगी, यानी आप अच्छाई ढूंढेंगे आपको अच्छाई मिलेगी, बुराई ढूंढेंगे तो बुराई मिलेगी। सनी देओल खुद कह चुके हैं वो एंटी पाकिस्तान थॉट के नहीं है और हर धर्म को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे की मैरिज में उनके हाथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मेहंदी लगी थी, फिर भी लोग उनको एंटी पाकिस्तान कहते हैं, ये बात गलत है। और ये बात उनकी पब्लिक, उनके मुस्लिम फैन भी साबित करते हैं कि सनी पाजी को सब प्यार करते हैं। कहानी अच्छी होगी, म्यूजिक अच्छा होगा, सॉन्ग अच्छा होगा, तब सारी बातें फिक्शनल होती हैं, पब्लिक पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट करती है। हाँ, अगर आपका नजरिया गलत होगा, आप उनको यानी मुस्लिम समाज को जज करेंगे इस बात को लेकर कि मूवी को देखकर रिएक्शन क्या है, तब ये बहुत छोटी बात होती है और देश को बांटने वाली बात है। बहरहाल हम दावे से कह सकते हैं हमने जिस मुस्लिम भाई के साथ बात की है या फिर किसी भी समुदाय के लोगों से बात की है, उन सबको गदर एक सुर में पसंद आई है और सबके सब मैं निकला गड्डी लेके भी झूमते नजर आते हैं। हिंदू मुस्लिम विवाद तो बकवास का सब्जेक्ट है, गदर और तारा सिंह सबको प्यारे हैं।